साल 2018 में आई एक साउथ इंडियन मूवी के बाद लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि मार्केट में एक नया सुपर हीरो आया है। उस मूवी का नाम था KGF चैप्टर 1 और हीरो यश, जिनका असली नाम है नितिन कुमार गोड़ा। गाइस, यश KGF चैप्टर 1 के बाद रातों रात सुपरस्टार बन गए, लेकिन उनकी लाइफ का एक ऐसा पहलू है जिसे जानने के बाद आप लोगों को बहुत प्राउड फील होगा। जी हाँ गाइस, यश के पिताजी रोडवेज बसों में बस ड्राइवर हैं और यश का इतना नाम होने के बावजूद भी आज भी उनके पिताजी बस चलाते हैं। उनका यह कहना है कि इसी काम की वजह से यश इतने बड़े सुपरस्टार बने हैं। गाइस, उनके पिताजी का जमीन से जुड़ा होना कहीं ना कहीं यश की स्टारडम का कारण भी है। अगर आपने साउथ सुपरस्टार यश की KGF चैप्टर 1 देखी है तो उसका नेगेटिव कैरेक्टर गरुड़ा आपको जरूर याद होगा। ये फैक्ट जान के आप लोग शायद हैरान रह जाएं कि गरुड़ा का किरदार निभाने वाले राम एक्चुअली यश के 12 साल तक बॉडीगार्ड रह चुके हैं। सवाल ये उठता है कि बॉडीगार्ड अचानक से विलन के रोल में कैसे आ गए। तो हुआ कुछ यूं कि KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील जब स्टोरी के नरेशन के लिए यश से मिलने आए तो उन्होंने वहां पर उनके बॉडीगार्ड को स्पॉट किया और उन्होंने यश से कहा कि गरुड़ा का किरदार राम निभा सकते हैं। और गाइज, सबसे बढ़िया बात यह थी कि यश ने इस चीज के लिए राम का सपोर्ट भी किया और उन्हें एक्टिंग भी सिखाई। ऐसे ही यश इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बन गए हैं, वो बहुत दिलदार हैं और लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, इसी वजह से लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। गाइज, आपको यह सुनकर कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।